हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेजर द गुड टाइम। डिस्कस कर रहे थे हम झारखंड पीजीटी के क्वेश्चंस, जिसका हमने एक क्लास कर लिया है एक्सक्यूज मी, जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस किए थे। इसके पहले हमने एनवीएस का पेपर भी डिस्कस किया है, आप उसको भी जाकर देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, बाकी के 25 क्वेश्चंस करते हैं। बट बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड एज येट। सो Let's have some good time with me at leisure. मैंने इमेज छोटा कर लिया ताकि आपको अच्छे से स्क्रीन विजिबल हो। डिस्कस करते हैं पहले पैटर्न। लास्ट क्लास में मैं डिस्कस किया था कि आपके दो पेपर्स होंगे, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन में टोटल क्वेश्चंस जो है वो 100 मार्क का होगा, और क्वेश्चंस भी 100 होंगे और वो 100 मार्क के लिए ही होगा। लेट मी चेंज माय इंक। जबकि पेपर टू में क्वेश्चंस 150 हो जाएंगे और मार्क्स जो है 300 हो जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा, और दोनों ही एग्जाम 3-3 घंटे का होगा। आई गेस सबको क्लियर है चीजें। तो जो पेपर वन है उसमें आपका जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, जबकि जो पेपर टू है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो होगा आपका कंसर्न सब्जेक्ट, और हम डिस्कस कर रहे हैं किसका, इंग्लिश का पेपर। ये सिलेबस है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। ये जो पीरियड है कौन सा है, 1798 टू 1900। मतलब 1798 में क्या आया था आपका, लिरिकल बैलेट्स, जहां से शुरू हुई थी रोमांटिक पीरियड, और 1832 तक रहा था, है ना। और 1832 के बाद से 1901 तक लेकर आपका रहा था विक्टोरियन पीरियड। मतलब आपको रोमांटिक पीरियड और विक्टोरियन पीरियड का ये टाइम पीरियड दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा आप पढ़ लेंगे शेक्सपियर के 2-3-4 प्लेस जो आपको बताए गए हैं, एज यू लाइक इट और हैमलेट आपको अच्छे से करना है। मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, एमा, प्रिल्यूड, डेविड कॉपरफील्ड, मिडल मार्च, ड्यूड द ऑब्स्क्योर, ईस्टर 1916, सेलिंग टू बाइजेंटियम, अ प्रेयर टू फॉर माय डॉटर, लेडा इन द स्नो, देन द टार, देन एलियट द वेस्टलैंड। लास्ट क्लास वेस्टलैंड पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मिडल मार्च से, एमा से और द प्रिल्यूड से। इसके अलावा डीएच लॉरेंस का द रेनबो भी है, जो भी आपको करना है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो ये जो एग्जाम है वो कब कंडक्ट कराया गया था, 12th मार्च 2018, जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन गोज एज, अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, आपको ऑर्डर बताना, मतलब इवेंट बताना है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको जो इंग्लिश लिटरेचर में जो पीरियड्स है उसका आपको एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये रोमांटिक पोइट्स, मतलब रोमांटिक पोइट्री का एज कब था, अभी डिस्कस किया 1798 से लेकर 1832, है ना। एलिजाबेथन कब था, ये कुछ 1590 से लेकर 1603 का पीरियड है, ठीक है। प्री रेफेलाइट कब था, ये 1850 का एक मूवमेंट है। विक्टोरियन कब है, 1832 से 1901 तक। तो बेसिकली जो है हमको पहला बताना, शुरुआत देखना पड़ेगा, है ना, शुरुआत कब से हुई। इसका मतलब पहले कौन सा आ रहा है, 1590 एलिजाबेथन पीरियड, है ना। सेकंड पे कौन सा चला जाएगा, रोमांटिक पीरियड। थर्ड पे कौन सा आ जाएगा, विक्टोरियन पीरियड। फोर्थ पे कौन सा आएगा, प्री रेफेलाइट, है ना। तो ये हमको कहाँ मिल रहा है, पहले एलिजाबेथन चाहिए तो फर्स्ट तो नहीं होगा, क्योंकि ये रोमांटिक रोमांटिक से शुरू हुआ है। सेकंड में हम देखते हैं एलिजाबेथन है, फिर यहाँ आ गया प्री रेफेलाइट, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड पे आते हैं, एलिजाबेथन है 16 सेंचुरी में मान लो शुरू हुई है,
रोमांटिक है जो 1798 में शुरू हुआ, विक्टोरियन 1832 में शुरू हुआ, प्री रेफलाइट 1848 में शुरू हुआ। तो ये क्रोनोलॉजी बिल्कुल सही आ रही है, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। यहाँ भी देख लेते हैं, ये शुरुआती हुई है विक्टोरियन पीरियड से, तो ये नहीं होगा। ठीक है, सो आई गेस आपको आंसर मिल गया और क्लियर भी है। तो ये जो चार्ट है आपको थोड़ा याद रहना चाहिए। ये जो रेनेसा है इसमें एक्चुअली तीन पीरियड आते हैं, एलिजाबेथन पीरियड, उसके बाद जैकोबियन एज, उसके बाद कैरोलाइन एज, उसके बाद कॉमनवेल्थ पीरियड। कॉमनवेल्थ पीरियड वो है जब मिल्टन और ड्राइडन लिखते थे, जो भी आपको अच्छे से करना है, ठीक है, क्योंकि मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट आपको पूछा गया है। और ये जो प्री रेफलाइट मूवमेंट है वो 1848 में शुरू हुआ था। ये एक्चुअली सात लोगों का एक ग्रुप था, ठीक है, जो कि फॉलो करते थे रेफेल को, वैसा उसी तरह का वो पोइट्री लिखना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, मिस्टर वुडहाउस वाज अ प्रोफेस्ड डैश इन एमा। एमा मतलब ये कौन सा नॉवेल है? ये जेन ऑस्टेन की नॉवेल है। आपको इसकी स्टोरी अच्छे से पता होना चाहिए, इसका समरी और सारे कैरेक्टर्स के नाम आपको देख लेना है। तो जो मिस्टर वुड हाउस है, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, एमा वुड हाउस जो मेन कैरेक्टर है, उसके जो फादर होते हैं वो होते हैं मिस्टर वुड हाउस। तो वो किस तरह के इंसान होते हैं? विटी। विटी मतलब क्या होता है? जो क्लेवर है इन एन अम्यूजिंग वे, ठीक है, जो बोलने में बहुत तुरंत कुछ आंसर कर देता है कुछ अम्यूजिंग वे में, ठीक है, जैसे कि वो वाक्पटुता हिंदी में कहते हैं शायद, जैसे कि वो तेनाली रामा था वो कैरेक्टर। वेटेरिनेरियन आपको पता है, जिसको हम आम भाषा में जानवरों का डॉक्टर कहते हैं। वेजिटेरियन सभी जानते हैं, जो शाक सब्जी खाता हो। वैलेटुडिनेरियन ये क्या होता है? ये ऐसा इंसान होता है जो अपने हेल्थ के बारे में हद से ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है अपने हेल्थ को लेकर, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, द फोर्थ वन। हमारा कैरेक्टर जो है मिस्टर वुडहाउस, ये वैसा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, फ्रैंक चर्चिल वाज द लेजिटिमेट सन ऑफ डैश इन एमा। अगेन वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम एमा। तो पूछा गया कि वो किसका सन था, 1 2 3 4। तो मिसेस चर्चिल और मिस्टर चर्चिल ये तो उसके मामा मामी होते हैं, जो उसको पालते हैं उसके मदर के डेथ के बाद, है ना। तो वो जो सन किसका होता है? जो वो सन है वो मिस्टर वेस्टर्न का है, उसकी पहली शादी से जो होता है वो फ्रैंक चर्चिल है जो उसका सन होता है। तो मिस्टर वेस्टर्न सन बाय हिज फर्स्ट मैरिज इज एन एमिएबल, मतलब फ्रेंडली, सब उसको बहुत पसंद करते हैं, यंग मैन हु एट एज 23 इज लाइक्ड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन, दो मिस्टर नाइटली सीज हिम एज इमैच्योर एंड सेल्फिश फॉर फेलिंग टू विजिट हिज फादर आफ्टर हिज फादर्स वेडिंग। आफ्टर हिज मदर्स डेथ ही वाज रेज्ड बाय हिज वेल्दी आंट एंड अंकल द चर्चिल्स, ठीक है, एंड हिज अंकल वॉज हिज मदर्स ब्रदर। जो उसका अंकल है उसके मदर के भाई है, मतलब उसके मामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, द क्रिएटिव स्पिरिट एबलियंस एंड पेट्रियोटिक एंथुसियाज्म इन द राइटर्स ऑफ द रोमांटिक पीरियड वॉज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द जील इन द राइटर्स ऑफ द डैश पीरियड। तो पूछा जा गया है कि जो रोमांटिक पीरियड में जो जोश था, एबेलियंस का मतलब भी यही होता है जोश, पेट्रियोटिक एंथुजियाज्म मतलब देश को लेकर जो भावना है उसके लिए जो जोश है, तो ये कहाँ से आई है इनके अंदर? मेटाफिजिकल से आई है, केवेलियर से आई है, एलिजाबेथन से आई है, या फिर प्यूरिटन से आई है? तो जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे वो उनकी जो पोएट्री होती थी वो इंटेलेक्चुअल जेन्युइटी के लिए जानी जाती थी। एक्सक्यूज मी, सो इट वाज अ ब्लेंड ऑफ इमोशन विथ इंटेलेक्चुअल इंजीनिटी कैरेक्टराइज्ड बाय कंसीट एंड विट, ठीक है। और इसके जो चीफ पोएट थे वो कौन थे? जॉन डन, ठीक है, बाकी के पोएट्स भी थे बट जॉन डन जो है इसके चीफ पोएट थे। तो
तो ये तो हमारा आंसर नहीं लग रहा है, ठीक है। इसकी इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, इंटेलेक्चुअल इंजेनिटी, ये तो हमें नहीं बोला गया है ना, तो ये नहीं लगता है। कैवेलियर कौन होते हैं? जो चार्ल्स द फर्स्ट के रेन में होते हैं, और उनके उनके आर्ट के अकॉर्डिंग, उनका जो टेस्ट है आर्ट को लेकर, उनका जो चार्ल्स जे द फर्स्ट थे वो एक्चुअली कैनशर वाज़ द फाइन आर्ट्स, उनको बहुत ज्ञान था फाइन आर्ट्स का। तो ये जो पोएट्स थे कैवेलियर पोएट्स, वो जो है दे क्रिएटेड द आर्ट ही क्रेव्ड। तो जिस तरह का आर्ट वो उनको पसंद था, उसी तरीके का वो कैवेलियर पोएट्स लिखते थे, ठीक है। सो ये हो गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं लगता है। नेक्स्ट, प्यूरिटन कौन थे? जो चर्च ऑफ इंग्लैंड को रिफॉर्म करना चाहते थे, वो थोड़े उनका जो अलग ही स्ट्रिक्ट रूल होता था, तो ये तो उनका तो अलग ही है लिखने का कुछ। तो ये तो हमारा, ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एलिजाबेथन पीरियड, यही जो एज है जब शेक्सपियर के ड्रामा बहुत प्रोमिनेंट थे, क्रिस्टोफर मार्लो ये लोग लिखते थे, और ये इसी को एक्चुअली गोल्डन एज भी कहा गया है। तो ऑफ कोर्स लोग यहीं से, ये भी आप एक लॉजिक लगा सकते हो, क्योंकि ये गोल्डन एज है तो लोग यहीं से ज्यादा इंस्पायर होंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एलिजाबेथन एज और पीरियड। बॉडी ऑफ वर्क रिटन ड्यूरिंग द रेन ऑफ एलिजाबेथ द फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, तो इनका रेन क्या था? 1558 से लेकर 1603 तक, ठीक है। सो प्रोबेबली द मोस्ट स्प्लेंडेड एज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ड्यूरिंग विच सच राइटर्स एज सर फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, रॉजर एस्टम, दीज राइटर्स एंड विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो फ्लरिश्ड। The epithet Elizabethan is merely a chronological reference and does not describe any special characteristic of the writing. So, age saw the flowering of poetry, the sonnet, Spenserian stanza, dramatic blank verse was a golden age of drama, especially for the plays of Shakespeare, very important, and inspired a wide variety of splendid prose. So, ये सारी चीजें इस टाइम पे हुआ था। So, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, डेविड कॉपरफील्ड रिटन बाय डिकेंस हैज अ डैश पर्सन नरेटर। सो डेविड कॉपरफील्ड आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स में कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस आपसे पूछा गया है कि ये इसका जो नरेटर है ये कौन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन, और ओमनीसाइंट। ओमनीसाइंट है मतलब जो मतलब एक जब जहां दो नरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जब आप नॉवेल पढ़ोगे आपको पता चलेगी कि ये जो है फर्स्ट पर्सन नरेटर है, और जो डेविड कॉपरफील्ड है वही जो है इस नॉवेल को नरेट करता है। नरेटेड बाय द अपोनिमस डेव, अपोनिमस मतलब जिसके नाम पे नाम रखा गया है, डेविड कॉपरफील्ड, डिटेलिंग हिज एडवेंचर्स एंड हिज जर्नी फ्रॉम इन्फेंसी टू मैच्योरिटी, ठीक है। तो इसी ने नरेट किया है और इसके ही द्वारा ये नरेट हुआ था, तो ये फर्स्ट पर्सन नरेटिव है। सो इट बिगिंस लाइक अदर नॉवेल्स बाय डिकेंस विद अ ब्लीक पिक्चर ऑफ चाइल्डहुड इन विक्टोरियन इंग्लैंड, फॉलोड बाय यंग कॉपरफील्ड स्लो सोशल एसेंट एज ही पेनफुली प्रोवाइड्स फॉर हिज आंट वाइल कंटिन्यू हिज स्टडीज। अब जब नॉवल पढ़ोगे तो देखोगे कि उसके लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स आते जाते हैं। सो इसलिए है ये बहुत कॉम्प्लेक्स, और ये ऑटोबायोग्राफिकल भी है, इसमें चार्ल्स डिकेंस की लाइफ की झलक दिखती है, रिफ्लेक्शन दिखती है। सो इज टोल्ड इन द फर्स्ट पर्सन बाय अ मिडिल एज्ड डेविड कॉपरफील्ड हु इज लुकिंग बैक ऑन हिज लाइफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, जॉर्ज एलियट आउटलाइंस अ पिक्चर ऑफ डैश क्लास इन हर नॉवेल मिडल मार्च। तो एक बार मिडल मार्च को देख लेते हैं।
इट फर्स्ट अपियर्ड इन इट फॉलोज डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग स्टोरीज विथ मेनी कैरेक्टर्स इश्यूज इंक्लूड स्टेटस ऑफ विमेन द नेचर ऑफ मैरिज The nature of marriage, idealism, self-interest, religion, hypocrisy, political reform, education. Despite comic elements, Middlemarch uses realism to encompass historical events. We have in this. The 1832 Reform Act, early railways, and the accession of King William the Fourth. Looks at medicine at the time and reactionary views in a settled community facing unwelcome change. So Eliot began writing the two pieces. ठीक है, तो इतने सारे issues इसमें उठाए गए. ठीक है, तो basically जो भी issues हो रहे हैं, ये जो George Eliot, Charles Dickens, Thomas Hardy, इनके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था कि ये लोग realist थे, ये लोग realistic issues पर अपने नॉवेल्स का थीम रखते थे. ठीक है, तो ये लोग बेसिकली मिडिल क्लास के बारे में लिखते थे. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मिडिल क्लास. एक तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिकली भी कर सकते थे अगर आपको इसके आइडिया नहीं होता. देखो यहाँ पर क्लास लगाया हुआ है. ठीक है, सोशल क्लास क्या होता है, सोसाइटी में बहुत सारे क्लास है, मिडिल क्लास, ऊपर क्लास, अपर क्लास, हायर क्लास, लोअर क्लास, है ना. सोशल क्लास तो कुछ नहीं होता, इस तरीके से तो हम नहीं बोलते. दूसरा, पुअर या रिच के आगे हम क्लास नहीं लगाते, हम बोलते हैं अपर क्लास या लोअर क्लास या मिडिल क्लास, इस तरीके से बोलते हैं. तो एक तो ये लॉजिकल क्वेश्चन भी था, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, सॉरी अटेम्प्ट कर सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज पोएट लॉरिएट इन 1850, सॉरी. तो अब पूछा गया आपसे कि वर्ड्सवर्थ के बाद पोएट लॉरिएट कौन था. सो पोएट लॉरिएट एक्चुअली होता क्या था, वो जो चर्च ऑफ इंग्लैंड में एक पोजीशन होती थी पोएट की, वो होता था पोएट लॉरिएट. तो एक आप भी इसका भी एक जो क्रोनोलॉजी है आप अपने दिमाग में रखना, आप देख कर रखना. तो वर्ड्सवर्थ के बाद जो है टेनिसन बने थे पोएट लॉरिएट, तो हमारा आंसर हो जाएगा टेनिसन. अगर आपको सब ना भी याद हो तो भी जो थोड़े से प्रोमिनेंट है, जैसे कि आपका आपको क्वेश्चन कहाँ से आना है, रोमांटिक एज और विक्टोरियन एज, तो आपको इस टाइम का देख लेना है, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदी, उसके बाद हेनरी जेम्स पाय, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये सब आप देख लोगे, तीन चार आपको याद रखना है. एक्चुअली आप तीन में रखोगे तो आपका काम हो सकता है, रॉबर्ट साउदी, विलियम वर्ड्सवर्थ और उसके बाद टेनिसन. Next question we are having, which poem of T.S. Eliot was made from the unusual material of Murder in the Cathedral? So Murder in the Cathedral, unused material से Eliot ने क्या लिख लिया? The options are The Wasteland, Little Gilding, Four Quartets और Bert Norton. तो जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा Bert Norton. थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में. So Burnt Norton is the first poem by T.S. Eliot's Four Quartets. He created it while working on his play Murder in the Cathedral, and it was first published in the collected poems 1909 to 1935. The poem title refers to the manor house Eliot visited with Emily Hale in the Cotswolds. The manor's garden serves as an important image within the poem. Structurally, the poem is based on Eliot's The Wasteland, with passages of the poem related to those excised from Murder in the Cathedral. तो यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमारा आंसर क्या है, बर्ट नॉर्टन. Next question we are having, the experience in the prelude begins in sensation and ends in emotions. Options are emotions, ideas, exaltation or thought.
तो क्योंकि ये जो है वर्ड्सवर्थ की पोइट्री है द प्रिल्यूड, उनकी जो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है और उनका मास्टरपीस भी है जो उन्होंने थ्रू आउट अपनी लाइफ में लिखी है। उन्होंने एक्चुअली इसको कभी नाम नहीं दिया था, ये इसको पोम टू कोलरिज करके बोलते थे। अपनी सिस्टर को जो उन्होंने लेटर लिखा था डोरोथी वर्ड्सवर्थ को, इसमें उन्होंने वो ऐसा इसको बोलते थे। बट बाद में उनकी वाइफ ने मेरी मैरी वर्ड्सवर्थ ने उसको ये नाम द प्रिल्यूड करके पब्लिश करवाया। तो वो क्योंकि ये जो द प्रिल्यूड है बहुत ही साइकोलॉजिकल फिलोसॉफिकल नॉवेल पोम है, और ये बहुत ही लंबी पोम है। पैराडाइज लॉस्ट के बाद शायद ही शायद ये दूसरी पोम है जो सबसे लंबी है। तो इस जिसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थॉट। थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। The prelude or growth of a poet's mind. An autobiographical poem is an autobiographical poem in blank verse by the English poet William Wordsworth. Wordsworth began the prelude in 1798 at the age of 28 and continued to work on it throughout his life. He never gave it a title, but called the poem to Coleridge. In his letters to his sister Dorothy Wordsworth, the poem was unknown to the general public until the final version was published 3 months after Wordsworth's death in 1850. Its present title was given to it by his widow, Mary. The general procedure in the prelude is a record of is to record an experience from the poet's past and then to examine its philosophical and psychological significance and relate it to nature by society at large. ठीक है, so you need to examine it. तो ये एक thought पे खत्म होता है। Emotions जो है वो तो throughout the poem आपको आते रहेंगे, है ना? तो इमोशन पे खत्म नहीं हो सकता। इमोशन तो ऐसी चीज है जो मतलब आपके अंदर से निकल रही है जब आप कुछ भी पढ़ते हो देखते हो, है ना? तो इमोशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर हैविंग द सेंट्रल थीम्स इन द नॉवेल जूड द ऑब्सक्योर आर डैश एंड डैश। तो जूड द ऑब्सक्योर में क्या होता है, ये थॉमस हार्डी की नॉवेल है, उसमें जो कैरेक्टर है जूड फाउले वो एक स्कॉलर बनना चाहता है ना, और उसका जो लव इंटरेस्ट है उसकी कजन होती है सू, जिस और क्योंकि उसमें रिलीजन का कुछ इशू भी होता है तो इसमें एक रिलीजन का तो एंगल है ही। दूसरी क्योंकि ये विक्टोरियन पीरियड से है तो आपने विक्टोरियन मोरालिटी के बारे में बहुत सुना होगा, तो एक बार थोड़ा इसको देख लेते हैं। Jude the Obscure is a novel by Thomas Hardy which began as a magazine serial in December 1894 and was first published in book form in 1895. It is Hardy's last completed novel. The protagonist Jude Foley is a working class young man. He is a stonemason who dreams of becoming a scholar. The other main character is his cousin Sue Bridehead, who is also his central love interest. Central मतलब क्यों? क्योंकि और भी लड़कियां शायद इसके लाइफ में आई होंगी, ये आपको नॉवेल पढ़ के पता चलेगा। This novel is concerned in particular with issues of class, education, religion, morality and marriage. ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया, ऑप्शन में क्या है, रिलीजन और मोरालिटी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द फर्स्ट ऑप्शन। Next question we are having. Shakespeare observes the three unities dash dash and dash diligently in the Tempest. तो एरिस्टोटल के पोएटिक्स में तीन यूनिटीज बताई गई हैं किसी भी प्ले को लिखने के लिए। वो क्या होती है, यूनिटी ऑफ टाइम एक्शन और टाइम प्लेस और एक्शन, ये तीन चीजें होती है। बट क्या था, इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन था कि कितना है डेट, टाइम का मतलब क्या हुआ, प्लेस का मतलब क्या हुआ, एक्शन का मतलब क्या हुआ, टाइम का मतलब क्या 12 घंटे या 24 घंटे,
ठीक है, प्लेस का मतलब क्या हुआ, तो ये सारी चीजें इश्यूज आ रही थी। और बाद में क्या होगा, बहुत लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया, जैसे बेन जॉनसन, शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, ये लोग इन चीजों को इतना फॉलो नहीं कर रहे थे, बट शेक्सपियर ने टेम्पेस्ट में इन सारी तीन चीजों को फॉलो किया है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, टाइम प्लेस एक्शन। ये हमको कहाँ पे मिल रहा है, टाइम प्लेस एक्शन सेकंड वाले में, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। The unities were of much less concern in Renaissance England. Christopher Marlowe, William Shakespeare, and Ben Jonson often included two or more plots in a play, mixed comedy and tragedy, and freely switched settings. So, बहुत सारे strict rules थे एक play को लिखने के लिए, जो धीरे-धीरे लोग इतना नहीं मान रहे थे। तो वो लोग उसमें बहुत वो एक्चुअली उसमें बहुत कुछ ब्लेंड भी कर रहे थे, और वो यूनिटीज को भी इतना फॉलो नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिरिकल जीनियस ऑफ डैश कैन बी एक्सपीरियंस इन पोम्स लाइक ओ टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क और एलेस्टर। सो बेसिकली आपको बताना है कि ये जो लिटरेरी वर्क्स हैं, ओड टू द वेस्टलैंड, वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क और एलेस्टर, ये किसने लिखी है। मैंने एनवीएस वाला पेपर करवाया है, उसमें टू आ स्काई लार्क से भर भर के क्वेश्चन से, और वो किसने लिखी है, पीबी शेली ने, तो बाकी का भी कौन लिखेगा, पीबी शेली ही लिखेंगे। ये सारे चारों ही कौन है, ये सभी रोमांटिक पीरियड से, रोमांटिक्स से हैं, क्योंकि आपका आपका सिलेबस ही वही है, रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, शेक्सपियर के ड्रामा, डीएच लॉरेंस, टीएस एलियट, ये सारे लोग। सो वॉज वन ऑफ द मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स, अ रेडिकल इन हिज पोएट्री एज वेल एज हिज पोलिटिकल एंड सोशल इश्यूज। शेली डिड नॉट अचीव फेम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, बट रिकॉग्निशन ऑफ हिज अचीवमेंट इन पोएट्री ग्रू स्टीडीली फॉलोइंग हिज डेथ, एंड ही बिकेम एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन सबसिक्वेंट जेनरेशन ऑफ पोएट्स, इंक्लूडिंग रॉबर्ट ब्राउनिंग, स्वाइनबर्न, हार्डी एंड डब्ल्यू बी ईट्स। तो इन लोगों पे ये एक अच्छा इन्फ्लुएंस छोड़ कर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, हु इज बीइंग रेफर टू इन द लाइन लाइन फ्रॉम मिडल मार्च। अ फाइन गर्ल हु मैरिड अ सिकली क्लर्जीमैन, ओल्ड इनफ टू बी हर फादर एंड इन अ लिटिल मोर देन अ ईयर आफ्टर हिज डेथ, गिव अप हर एस्टेट टू मैरी हिज कजन, यंग इनफ टू हैव बीन लाइक टू हैव बीन हिज सन विथ नो प्रॉपर्टी एंड नॉट वेल बॉर्न। सो कौन, सिकली मतलब क्या होता है, जो मतलब पतला सा, बीमार की तरह लगे, ठीक है। तो फाइन गर्ल वो कौन सी लड़की है, रोजामॉन्ड है, सीलिया है, मैरी है या डोरोथी है। तो ये जो बात हो रही है, ये जो है इस नॉवेल के प्रोटैगनिस्ट डोरोथिया के बारे में बात हो रही है। वही जो है एक सिकली क्लर्जीमैन से शादी कर लेती है, बट क्योंकि उनके उनका जो शादी है वो लवलेस होता है, तो उनकी शादी टिक नहीं पाती है। तो आंसर हो जाएगा डोरोथिया। तो ब्रूक एन इंटेलिजेंट वेल्दी वुमन विद ग्रेट एस्पिरेशंस, डोरोथिया अवॉइड्स डिस्प्लेइंग हर वेल्थ एंड एम्बार्क्स अपॉन प्रोजेक्ट सच एज रीडिजाइनिंग कॉटेजेस फॉर हर अंकल्स टेनेंट्स। तो उसको रेनोवेशन करना पसंद था। शी मैरीज द एल्डरली रेवरेंड एडवर्ड कसाउबॉन विद द आइडियलिस्टिक आइडिया ऑफ हेल्पिंग हिम इन हिज रिसर्च द की टू ऑल मिथोलॉजीज। हाउ एवर द मैरिज वॉज अ मिस्टेक, एस कसाउबॉन फेल्स टू टेक हर सीरियसली एंड रिसेंट्स हर यूथ एंथुसियाज्म एंड एनर्जी। हर रिक्वेस्ट टू असिस्ट हिम मेक इट हार्डर फॉर हिम टू कंसील दैट हिज रिसर्च इज ईयर्स आउट ऑफ डेट। फेस्ड विद कसाउबॉन्स कोल्डनेस एंड देयर हनीमून, डोरोथिया बिकम्स फ्रेंड्स विद हिज रिलेटिव विल लैडिस्लॉ। सम ईयर्स आफ्टर कसाउबॉन्स डेथ शी फॉल्स इन लव विद विल एंड मैरीज हिम। तो बाद में क्या करती है, वो विल से ही शादी कर लेती है। तो ये जो है बाकी के कैरेक्टर्स हैं।
आपको हर नॉवेल को अच्छे से कर लेना, उसके सारे कैरेक्टर्स को अच्छे से देख लेना। आपको कैरेक्टर पे क्वेश्चन आएगा, आपको समरी पे क्वेश्चन आएगा, आपको कोई लाइन दे दी गई होगी, आपको पूछा जाएगा कि ये किस कैरेक्टर ने बोला है, आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर हैविंग द फाउंडर्स ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट वर्ड्सवर्थ एंड कोलेरिज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डैश पोएट्री ऑफ द 18th सेंचुरी। तो बताना है कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने कौन से 18th सेंचुरी के पोएट्री के अगेंस्ट लिखा है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शंस, था न्यू क्लासिकल, रोमांटिक, क्लासिकल, प्यूरिटन। रोमांटिक तो ये खुद है तो ये तो हो नहीं सकता है, दूसरा न्यू क्लासिकल, क्लासिकल, प्यूरिटन। बेसिकली आपको बताना क्या है कि लॉजिकली आपको इतना घुमाकर पूछा गया, बताना आपको सिर्फ इतना है कि रोमांटिक पीरियड के पहले कौन सा पीरियड था, क्योंकि ट्रांजिशन वैसे ही होता है ना, एक पीरियड आता है फिर दूसरा पीरियड आता है, और दोनों पीरियड के जो लिटरेरी वर्क है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ ट्रांजिशन होता है ना, यही तो होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नियो क्लासिकल पीरियड। ठीक है, न्यू क्लासिकल पीरियड जो है उसमें आधा जो है पोप का पीरियड है और आधा जो है डॉक्टर जॉनसन का पीरियड है, 1700 से 1745 तक जो है ये पोप का पीरियड है, और 1745 से काइंड ऑफ 85 और 89 जो भी आप लेना चाहो वो है डॉक्टर जॉनसन का पीरियड, और इसके पहले आता है रेस्टोरेशन पीरियड। वो कौन सा पीरियड है, जब जब चार्ल्स द सेकेंड फिर से थ्रोन पे आ गए थे, ये वो पीरियड है जो कि 1660 से लेकर 1700 का पीरियड है। फाइन, तो ये तीनों को हम मिलाकर हम बोलते हैं नियो क्लासिकल पीरियड। नियो क्लासिकल इस पीरियड में कौन थे, मिल्टन और ड्राइडन। ड्राइडन ठीक है, ये पोप का पीरियड है और ये डॉक्टर जॉनसन का पीरियड है। प्यूरिटन कौन थे, जो इसमें इसमें ये प्यूरिटन भी वही लोग थे, ये जो 1660 से 1700 का पीरियड है, ड्राइडन, मिल्टन और इसमें और भी लोग थे। ठीक है, तो नियो क्लासिकल जो है इन तीनों को मिलाकर है। तो ये जो पीरियड है ये आपको पता होना चाहिए, ये है आपका रोमांटिक पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर हैविंग द मेन मोटिव्स ऑफ द पोम सेलिंग टू बाइजेंटियम बाय इट्स इंक्लूड डैश डैश एंड डैश। मोटिव का मतलब जो भी इमेजेस, डिजाइंस, शेप्स उसमें यूज किए गए हैं वो। तो ये जो पोम है एट सेलिंग टू बाइजेंटियम, ये एक्चुअली चार स्टैंजा में लिखा गया है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या है इसमें, एक बार ऑप्शंस को देखते हैं पहले। एनिमल्स, फायर, अर्थ, बर्ड्स सिंगिंग गोल्ड फायर, अर्थ, रिवर सेलिंग बोट्स और बर्ड्स सिल्वर हीट। आपको कुछ आइडिया है इस पोएम का, इसमें एक स्पिरिचुअल जर्नी की शायद बात हुई है कि अब ये जो दुनिया है ये ओल्ड एज के लिए नहीं है, है ना, कुछ ऐसा इसमें कहा गया। सो इट्स अ पोएम बाय डब्ल्यू बी ईट्स, फर्स्ट पब्लिश्ड इन द 1928 कलेक्शन द टार। इट कंप्राइजेस फोर स्टैंजास। थ्रू द यूज ऑफ वेरियस पोएटिक टेक्निक्स ईट्स सेलिंग टू बाइजेंटियम describes the metaphorical journey of a man pursuing his own vision of eternal life as well as his conception of paradise. So, ये जो first stanza है इसमें देखो आपको मिलेगा, there is no country for old men, the young in one another's arm, birds in the trees, those dying generations in their song. इन देयर सॉन्ग, किसके सॉन्ग, बर्ड्स सॉन्ग। ठीक है, तो क्या है कि ये जो दुनिया है ये दुनिया है ये बूढ़े लोगों के लिए है नहीं, यहाँ पे क्या है जो यंग वन है, यंग वंस है, एक दूसरे की बाहों में है, कहाँ है, पेड़ के नीचे, और उस पेड़ पे क्या है, चिड़िया जो है गाना गा रही है, दोस डाइंग जेनरेशन। ठीक है, मतलब जो लोग इस दुनिया में है। तो ये हो गया, एक तो हमको क्या मिल गया, बर्ड्स सिंगिंग,
तो सिंगिंग बर्ड्स, एक तो बर्ड्स यहाँ भी है, हो सकता है ये भी हो, और एक बर्ड्स यहाँ भी है, और कहीं हमको बर्ड्स मिल नहीं रहा, तो ऑप्शन वन ऑप्शन थ्री चला गया। आगे और देखते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड स्टैंजा पे। यहाँ पे आपको मिल रहा है, ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर एज इन द गोल्ड मोज़ेक ऑफ अ वॉल। तो ये आपको यहाँ पे गोल्ड मिल रहा, फायर मिल रहा है, ये भी हमको कहीं कहीं ऑप्शन में दिखाता है। तो आपको गोल्ड और फायर कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ तो गोल्ड, आपको वन फर्स्ट और थर्ड तो कैंसिल हो गया है, फोर्थ में गोल्ड फायर नहीं है और सिर्फ सेकंड वाले में है, तो सेकंड वाला हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर हैविंग रिलेटिंग रिलेटिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रू लव इन मिडिल मार्च। द कोर्स हु कोर्स द फॉलोइंग लाइंस। तो मिडिल मार्च में जो लाइन है वो किसने कही है? ट्रू लव फॉर गुड वुमन इन शेपिंग मेनी अ रफ फेलो। ऑप्शंस आर विल लैडिस्लॉ, सर जेम्स, फ्रेड विंसी और सेलब गार्थ। तो जब आप ये पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो लाइन है वो सेलब गार्थ के द्वारा बोला गया है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी आर हैविंग वेमेन राइटर्स गेन्ड प्रोमिनेंस इन द पीरियड बिकॉज ऑफ देयर एक्सेस टू। ठीक है, इन द पीरियड, एक तो हमको यहाँ पे पीरियड साफ साफ नहीं बताया गया। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा लॉजिकली भी कर सकते हैं कि कुछ कोई भी चीज करने के पहले, जो एक पोएट्री है, नॉवेल है, जो एक आर्ट ऑफ राइटिंग है ना, वो करने के पहले आप पहला उसका बेसिक क्या है कि पहले तो आप पढ़े लिखे होना चाहिए, तो ही ना आप पोएट्री कर सकते हो, नॉवेल कर सकते हो, और पढ़ा लिखा होने के बाद ही आपको नॉलेज मिलेगा। तो नॉलेज, नॉवेल्स, पोएट्री, ये सारी चीजें सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या है? एजुकेशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एजुकेशन। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन आने के बाद ही आपको नॉलेज आएगी और तभी आप पोएट्री और नॉवेल लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर हैविंग व्हाइल द मेन ट्रेंड ऑफ 18th सेंचुरी पोएटिक्स हैड बीन टू प्रेज द जनरल, द रोमांटिक्स फाउंड द सोर्स ऑफ पोएट्री इन द डैश डैश एक्सपीरियंस। तो अगेन ये क्वेश्चन रोमांटिक पीरियड पे है। पहला ऑप्शन सब में सेम है, पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर तो मान ही लो। फाउंड द सोर्स ऑफ पोएट्री इन द पर्टिकुलर डैश एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेंटेंस कुछ भी नेगेटिव नहीं है, शायद तारीफ, अच्छी बातें बोली जा रही है। तो जब अच्छी बातें बोली जाती है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है, तो हम पॉजिटिव वर्ड्स का, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं, और जब सेंटेंस नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव वर्ड्स का यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन देखते हैं। इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस क्या होता है? एक्सपीरियंस कभी इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। ये वर्ड एक्सपीरियंस, ये जो एडजेक्टिव है, ये एक्सपीरियंस के लिए सही नहीं जाता। दूसरा, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हो सकता है, ब्रॉड एक्सपीरियंस नहीं होता है, यूनिक एक्सपीरियंस हो सकता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, स्ट्रेंज और यूनिक। क्योंकि हम किसी चीज की तारीफ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा बोलना चाहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? हम यूनिक बोलेंगे। स्ट्रेंज मतलब अजीब था, कुछ थोड़ा सा इसमें नेगेटिव सेंस है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज पर्टिकुलर एंड यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर हैविंग रोजामॉन्ड एंड लिडगेट्स रिलेशनशिप इन मिडिल मार्च फील्स बिकॉज। तो रोजामॉन्ड कौन होती है मिडिल मार्च में? जो बस सोशल स्टेटस के लिए शादी करना चाहती है। और लिडगेट क्या है? एक यंग डॉक्टर है जो अच्छी फैमिली से है ना, तो उनकी शादी क्यों फेल होती है? क्योंकि उनका जो है, दे डू नॉट सी द पार्शियलिटी ऑफ देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। तो कहीं ना कहीं क्लैश है, डिस्प्यूट है, किस चीज का? उनके पॉइंट ऑफ व्यू का, पर्सपेक्टिव का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन जूड सेपरेट्स फ्रॉम अराबेला आफ्टर हर इंसिन्यूएशंस इन द नॉवेल जूड द ऑब्स्क्योर, ही रिटर्न्स टू हिज ड्रीम ऑफ अ बेटर डैश इन क्राइस्ट मिनिस्टर, सॉरी क्राइस्ट मिनिस्टर। सो जूड द ऑब्स्क्योर के बारे में हमने अभी भी डिस्कस किया कि उसमें जो कैरेक्टर है जूड फॉले, वो क्या करना चाहता है? वो एक स्कॉलर बनना चाहता है क्राइस्ट मिनिस्टर में। तो ये होता है, बट उसी टाइम उसके लाइफ में एक लड़की आ जाती है, एराबेला।
बट उनका उनका जो शादी, और वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, ऐसा कुछ इसमें स्टोरी लाइन है, और उनकी शादी हो जाती है बट वो टिकती नहीं है। तो उसके बाद क्या है, और वो जो वो फिर से है, जूट जो है फिर से आ जाता है अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। उसका ड्रीम क्या था, क्राइस्ट मिनिस्टर में स्कॉलर बनना। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, शिक्षा लेनी पड़ेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, एडुकेशन। ठीक है, After Arabella leaves him, Jude moves to Christ Minster and supports himself as a mason while studying alone, hoping to be able to enter the university later. Now the next question: Identify the character in the image from Shakespeare play Hamlet. तो हैमलेट, अब से क्वेश्चन आ गया हमको, इस बार पूछा गया है कि ये जो इमेज है वो हैमलेट से किस कैरेक्टर की है। आ जाते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शंस आर होरेशियो, क्लॉडियस, हैमलेट और लाइटस। ये सारे होते कौन है, हैमलेट तो खुद प्रिंस हैमलेट है, और क्लॉडियस कौन होता है, क्लॉडियस वो होता है जो किंग हैमलेट का मर्डर करके उसकी जो विडो है गर्ट्रूड उससे शादी कर लेता है क्योंकि वो थ्रोन को पाना चाहता है। होरेशियो कौन है, होरेशियो हैमलेट का एक फ्रेंड है। लाइटस कौन है, लाइटस पोलोनियस का सन है ना, पोलोनियस के सन है लाइटस, और उसकी डॉटर कौन है, ओफिलिया। तो ये जो इमेज है वो किसकी है, ये इमेज खुद हैमलेट की ही है, ये जो इमेज है वो खुद हैमलेट ही है। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, दैट इज हैमलेट। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। हैमलेट इज अ ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर सम टाइम बिटवीन 1599 एंड 1603। इट इज शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले विद इन 2955 वर्ड्स, सेट इन डेनमार्क। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। द प्ले डिपिक्ट्स प्रिंस हैमलेट एंड हिज रिवेंज अगेंस्ट हिज अंकल क्लॉडियस, हु हैज मर्डर्ड हैमलेट्स फादर इन ऑर्डर टू सीज हिज थ्रोन एंड मैरी हैमलेट्स मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, द नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड इंटरवीव्स सोशल कंडीशंस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, एटीट्यूड्स एंड इश्यूज प्रेजेंट इन अर्ली डैश इंग्लैंड। तो ये नॉवेल किसके द्वारा लिखी गई है, चार्ल्स डिकेन के द्वारा, और वो किस पीरियड में थे, वो विक्टोरियन एरा के थे। ऑफ कोर्स कोई भी जब नॉवेल लिखता है तो अपने ही बेस जनरली अपने ही एज के बारे में लिखता है, और जो विक्टोरियंस थे वो क्या करते थे, और ये जो चार्ल्स डिकेंस थे वो सोशल क्रिटिक भी थे, वो विक्टोरियन पीरियड का रियलिज्म दिखाते थे। ठीक है, वहां के मोरालिटी, वहां के सोशल कंडीशंस, ये सब दिखाते थे, पर्सनल एक्सपीरियंसेस दिखाते थे, जो कि आपने डेविड फील्ड में देखा है क्योंकि वो उनकी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, विक्टोरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, द रेनबो वाज इनिशियली टाइटल्ड डैश एंड आफ्टर दैट डैश। तो द रेनबो जो है वो DH लॉरेंस की क्रिएशन है, और इसको ये द रेनबो और द रिक्लूज ये दोनों को वो साथ में लिखना चाहते थे, और उसका नाम देना चाहते थे द वेडिंग रिंग। ठीक है, एक तो वेडिंग रिंग हमको फर्स्ट में भी है, दूसरा ये इसका क्या नाम देना चाहते थे, दूसरा था द सिस्टर्स। तो आपका आंसर हो जाएगा द फोर्थ वन, द फोर्थ ऑप्शन। The novel by British author D.H. Lawrence first published by Methuen and Company in 1915. It follows three generations of the Brangwen family living in Nottinghamshire, focusing particularly on the individual's struggle to growth and fulfillment within the confining structures of England. Strictures of England social life. Lawrence's 1920 novel Women in Love is a sequel to The Rainbow. तो Women in Love जो इनका novel जो 1920 में आई थी वो sequel है The Rainbow का, मतलब उसमें Women in Love में The Rainbow के आगे की कहानी है, कि जो The Rainbow में जो भी हुआ उसके बाद क्या हुआ वो आपको पता चलेगा Women in Love में।
नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग दैट इज नॉट कंट्री फॉर ओल्ड मैन द यंग इन वन अनदर्स आर्म्स बर्ड्स इन द ट्रीज इन द अबव लाइंस फ्रॉम सीलिंग टू बाइजेंटियम व्हिच कंट्री डज दैट रेफर टू। अभी हमने ये लाइंस देखा था है ना, इसपे क्वेश्चन कहाँ से था, मोटिव से था। अभी पूछा जा रहा है कि यहाँ जो दैट है ये इसमें दैट क्या है, द यंग इन वन अनदर्स वर्ल्ड, सो यहाँ जो है स्पिरिचुअल जर्नी की बात हो रही है, इटर्नल लाइफ की बात हो रही है, तो किसी जगह का के बारे में तो बात हो नहीं रही है, तो अमेरिका की तो बात हो नहीं रही है, इंग्लैंड की तो बात हो नहीं रही है, इंडिया की तो बात हो नहीं रही है, किसकी बात हो रही है, इस नेचुरल वर्ल्ड की बात हो रही है ना, जहाँ पे हम लोग रहते हैं और जहाँ से हम लोगों को एक दिन मर जाना है, और कहाँ जाना है, स्वर्ग में जाना है। तो वो पैराडाइज का एक आइडिया बताते हैं, एक इटर्नल लाइफ बताते हैं, कुछ ये सारी चीजें उनके डब्ल्यू बी फीलिंग टू बाइजेंटियम में है। सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, द फिक्शनल नेम हार्डी गिव टू डॉसेट व्हिच फॉर्म्स द लोकल इन मेनी ऑफ हिज राइटिंग्स इज। तो थॉमस हार्डी के नॉवेल्स में एक फिक्शनल प्लेस होता है, वो कौन सा है, वो है वेसेक्स। आपको याद रखना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो क्योंकि क्वेश्चंस हो गए हैं खत्म, अब टाइम है थोड़ा गपशप करने का। आप एक तो पहले आप कमेंट करके ये बताओ कि क्लासेस कैसी हो रही हैं, आपको क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा आपको, और क्या चाहिए मुझे, और कैसे वीडियो को बनाना चाहिए। आप मुझे आप प्लीज इस पे फीडबैक दो, कमेंट्स डालो अपने, उसके बाद मुझे मोटिवेट करो। कैसे मोटिवेट करोगे आप मुझे सपोर्ट करके, मुझे सपोर्ट कैसे करोगे, प्लीज चैनल को लाइक करो, शेयर करो, एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, आई बैडली नीड इट। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हो। फिलहाल काफी रात हो गई है, तो क्लास को खत्म करते हैं यहीं पे। तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट।